हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 हमें दिया है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी है 6.1। तो मैं अभी बताऊंगी 6.1 थ्योरम हमारी कौन सी है, और उसके आगे में बोला है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू अ मिड पॉइंट और वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें ट्राइंगल बनाने के मतलब एक ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट को मार्किंग कर लेते हैं, इसके तीनों पॉइंट्स को। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी, तो ले लेंगे ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट, यानी कि इसके मिड पॉइंट से किसी भी साइड के मिड पॉइंट से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से लेती हूँ। ओके, ये इसका मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है ये। हमें क्या बोला है कि थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड से, ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। तो अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो दूसरी साइड की क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो इस साइड के पैरेलल होगा, और अगर हम इस मिड पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इस साइड के पैरेलल होगा। तो आप किसी भी साइड ड्रॉ कर सकते हैं, मैं इसे इस साइड ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, तो ये एसी का मिड पॉइंट हो गया, इसे हम ले लेंगे ई, और ये हो जाएगा एफ। अब देखो, ई एफ ए बी सी और ए सी का मिड पॉइंट है, बी ई बी सी का मिड पॉइंट है, और एफ ए सी का मिड पॉइंट है, और ई एफ क्या है, ए बी का पैरेलल है। कैसे, इसे यहाँ पे हमें दे रखा है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हमें क्या बोला है कि ये जो एक मिड पॉइंट है, ये एक तो लाइन को पैरेलल ड्रॉ करेगा, और तीस मतलब जो हमारी नेक्स्ट वाली साइड होगी उसे क्या करेगा, एक जगह पे बाइसेक्ट करेगा। तो देखो, हमने यहाँ से मिड पॉइंट ड्रॉ किया था, ये मिड पॉइंट इस वाली लाइन के पैरेलल है, और यहाँ पे इसे क्या करना है, इस लाइन को इंटरसेक्ट करना है। तो हमें क्या बताना है, हमें यही प्रूफ करना है कि AF क्या होना चाहिए, FC के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसे मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीच में क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो दोनों साइड्स क्या आएंगी, इक्वल आनी चाहिए। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। तो हमारी थ्योरम 6.1 कौन सी है, हमारी थ्योरम यहाँ लिखेंगे, थ्योरम 6.1 कौन सी थ्योरम हमारी 6.1, आप थियर्स थ्योरम कहो या बीपीटी थ्योरम कहो, एक ही बात है। तो यहाँ लिखेंगे बीपीटी थ्योरम। तो 6.1 थ्योरम हमारी बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम क्या होती है, मैं एक बार आपको रफ में यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ये यहाँ पे एक पॉइंट है ई और एक पॉइंट है एफ। तो ए ई ई एफ ए ई और ई बी क्या है आपस में, ये मिड पॉइंट आ गया, तो ए ई अपॉन में ई एफ हम लिख सकते हैं। तो ए ई अपॉन में ई बी, सॉरी ई एफ बोल दिया मैंने, ई बी और ए एफ अपॉन में एफ सी। अगर हम इस तरह से प्रूफ कर देते तो ये हो जाती है हमारी बी पी टी थ्योरम। ओके, तो अब हमें यहाँ पे यही यूज करनी है, बी पी टी थ्योरम, और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला। अब हम यहाँ पे बी पी टी थ्योरम कहाँ लगाएंगे, दो मिड पॉइंट है, जो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि एक साइड तो पैरेलल है और एक साइड क्या करना है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई सी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल सेम रेशो में होंगी। और ये क्या है, ई एफ पैरेलल होगा ए बी के, तो ई एफ पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ए एफ, वैसे हमें प्रूफ करके दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पे एकदम लिख देती हूँ यहाँ पे साइड में, मैं इसे प्रूफ करके दिखाती हूँ। हमें बीपीटी थ्योरम यूज करनी है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए एफ अपॉन में एफ सी, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए एफ अपॉन में एफ सी लिखेंगे, और बी ई अपॉन में ई सी। तो ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई अपॉन में ई सी। अब यहाँ पे देखो, हमारा बी ई ई सी के इक्वल है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी ई अपॉन में ई सी, तो हम यहाँ पे ई सी को बी ई के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू बी ई, ई सी किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ई। अब बी ई और बी ई क्या हो जाएंगे, वन वन टाइम कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल होगा, ये डिवाइड में, इसलिए वन और वन आया है, माइनस नहीं कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे आया ए एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू वन बाय वन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई,
इन दोनों को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ए एफ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एफ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 1 से, तो यहाँ लिख लेंगे हम ए एफ मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एफ सी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो एफ सी मल्टीप्लाई बाय 1 ए एफ इंटू 1 ए एफ और एफ सी इंटू 1 एफ सी। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना था कि जो थर्ड साइड है द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये दूसरी साइड को बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट करेगा तो क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, तो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। तो क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।